नमस्कार, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। एक तरफा प्यार में पड़े मनचलों को लेकर अक्सर युवतियां और उनका परिवार दहशत में रहता है। इन मनचलों की वजह से कईयों का घर भी बर्बाद हो चुका है तो कुछ की तय शादियां भी टूट चुकी हैं। ऐसा ही एक मामला कपाली के डांगोडी से सामने आया है। यहां पिछले कई दिनों से एक नाबालिग से मनचला बार बार फोन नंबर मांग रहा था। मनचला शादीशुदा है। जब इसकी जानकारी उसकी पत्नी को हुई तो उसने नाबालिग लड़की को अपने घर बुलाया और पूछताछ करने लगी। तभी लड़की अपने घर आकर उसने अपना हाथ ब्लेड से काट लिया। आनन फानन में परिवार वाले ने एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घायल को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। नाबालिग लड़की के पिता मोहम्मद नासिर ने इस पूरे घटना की दी जानकारी। क्या नाम आपका? मेरा नाम नासिर, एमडी नासिर। कौन है ये आपकी? मेरी बेटी है। कितना उम्र हो गया? इनका 14 साल चल रही है। कहाँ रहते हैं आप? डांगोडी कोपाली में रहते हैं। आपकी बेटी हाथ क्यों काटी आज? मेरी बेटी, मेरा पड़ोसी जो था ना, वो बोले, उनका कहना है 6 दिन से परेशान कर रहा है लड़की को। मेरा नंबर मांग रहा था, नंबर के लिए मांगा तो उसका वाइफ को मालूम चला ये नंबर क्यों मांगे थे, इसको भी पता चला। तो वो गार्जियन कह के मेरे अपने से नहीं पूछ के मेरे बेटी को घर पर बुला के टॉर्चर किया गया। अब बेटी पूछी, बोली मेरे पिताजी को नहीं बोलने के लिए, मेरे अब्बू को मत बोलिएगा। मेरे अब्बू को नहीं बोली तो बोली, बोलेंगे हम तेरे फादर को, बात करेंगे हम। तो गुस्से में बच्ची मेरे हाथ काटी, गुस्से में काट जी। ये कौन आदमी है? ये मोनू नाम का कोई है, मेरा पड़ोसी। हम तो जानते भी नहीं, हम तो घर में रहते नहीं। दिन भर पड़ोसी है जी, मोनू नाम उसका। वही आपका बेटी से नंबर मांग रहा बार बार। तो बेटी शिकायत आप लोगों ने की थी पहले? हमको नहीं बताई कुछ, हमको कुछ ही मालूम नहीं। हम 10 बजे रात में घर घुसते हैं। ये हाथ कहाँ पे काटी? घर पे काटी, घर में आके। उसका घर से निकलने के बाद मैं आके घर में चीज से काटी। किस चीज़ से काटी? ब्लेड से काटी। फिर क्या बताई बेटी आप लोग को? बेटी बोली, वही बोली हमसे नंबर मांगा गया था बार बार। इनसे मेरे को नंबर मांगा, परेशान कर रहा, परेशान कर रहा था। नंबर वंबर नहीं दिए। तो थाना में शिकायत तब करेंगे आप लोग? जी करेंगे, जरूर करेंगे जी। मतलब परेशान हो बेटी को कर रहा था जी। ये है कौन ये व्यक्ति? ये रहता है अपने आंगन में, रहता हमारा, हमारा बाड़िए में है। वो भी शादीशुदा है? 3 बच्चे का बाप। अच्छा, 3 बच्चे का बाप जी। मतलब अपने बेटी से नंबर मांगता था जी। क्यों? अब वही तो समझ नहीं आ रहा क्या क्या मांगा नंबर। पता आपको कैसे चला वो नंबर मांगता है? उसका और वाइफ बोल रही, उसका वाइफ मेरे को फ़ोन करी, मेरे वाइफ से बात करी पहले, फिर उसको वाइफ मेरे से बात करी। क्या बोली? ये आपका बेटी ऐसा सब आपको काम कर लिया, हम किस बात पर कह रही है? क्या बात, क्या मैटर, क्या बताइए। संपो ने बोले तो बोलती है, हम उसको बुला के अपना घर में पूछे थे ये क्यों ऐसा हो रहा है, मेरा आदमी क्या आपसे नंबर वंबर मांगे हैं, सही सही बताइए। तो बोली, देखिए मांगे थे नंबर, लेकिन मेरे पापा तक खबर मत दीजिएगा, मेरे पापा मेरे गुस्सा वाले हैं। तो इतना बोली, वो बोले हम तुम्हारे पापा को बोलेंगे, बात करेंगे। तो जाकर लड़की हाथ काट, हाथ काट घर में आपके जी घर में।